हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर रक्स यूट्यूब चैनल फार्म के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एसी ही इनहिबिटर्स तो ए सी ही इनहिबिटर्स क्लास के जो मेडिकेशंस होते हैं उसकी डिटेर फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे हम आज के ये वीडियो लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में सबसे पहले तो कि व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ द एसे ही इनिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशंस। फिर डिटेल फार्माकोलॉजी के अंदर हम उसके मेकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे फिर उसके डोजिस के बारे में कि कौन से डोजेस के अंदर ये मेडिकेशंस जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फिर उसका हम बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि ये मेडिकेशंस किस तरह के पेशेंट्स को या फिर कैसे कंडीशन में प्रिस्क्राइब नहीं की जानी चाहिए और लास्ट में ये मेडिकेशंस यूज़ करने से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो ऐसे ही क्लास जो है मेडिकेशंस का ए सी हिनीटर क्लास के जो मेडिकेशंस कि जिसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि उसके जो मार्केटेड फार्मूलेशन कि यहाँ पे कैप्टोप्रिल आप देख रहे हैं फिर लिसिनोप्रिल करके है एनाल है जोफेन करके एक उसका मार्केटेड फार्मुलेशन आप देख सकते हैं एंड फॉसिनोप्रिल एंड रामीप्रिल तो ये सभी मेडिकेशंस जो है वो ए सी क्लास के मेडिकेशंस कहे जाते हैं तो शुरू कर हैं ये लेक्चर के अंदर अब डिटेल में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर मिस्टर अमर एम रावल असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल रॉक्स ऑल्सो यूज करिए फार्मा रॉक्स की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन एज वेल एज आईफोन के लिए भी अवेलेबल है अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप को ऐप आप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से इसको डाउनलोड करिए तो वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल को टेस्ट सीरीज को एंड ऑल्सो दीडियो लेक्चर दैट द टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल विडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मारोक्स तो अब समझते हैं एसी ही इनिबिटर्स तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि वॉट इज द एसी ही इनिबिटर्स तो एसी ही इनिबिटर्स का सबसे पहले आप फुल फॉर्म समझिए वॉट इज ए तो ए स्टैंड फॉर एनजीओटेंसिंग ए फॉर एनजीओटेन्सिंग सी फॉर कन्वर्टिंग एंड ई फॉर एनजाइम और ये एनजेम को इनहिबिट्स करने वाले मेडिकेशन दैट मीन्स ए सीई इनहिबिटर्स तो एनजियोटेंस इन कन्वर्टिंग एनजाइम की जिसको हम ए सी ही कहते हैं या फिर एस इनहिबिटर्स भी कहा जाता है कई बार प्रोनाउंसिएशंस के अंदर तो दीज आर द्लास ऑफ मेडिकेशंस दीज आर द क्लास ऑफ मेडिकेशंस विच हेल्प बाय रिलैक्स आवर वेन्स एंड आर्टरीज टू लोअर आवर ब्लड प्रेशर कि ये मेडिकेशंस बेसली क्या कम करती है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको लोअर करती है ब्लड प्रेशर को लोअर करती है इसी कारण ये मेडिकेशंस जो है वो यूजली प्रेस्क्राइब की जाती है हाइपर के पेशेंट को कि जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रहता है तो ऐसे पेशेंट को उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए लोअर करने के लिए हम ये मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये मेडिकेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट यह है कि जब आपके ब्लड वेसल्स जब आपके ये ब्लड वेसल का होता है कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स हो जाती है कंस्ट्रिक्टेड वेसल्स तो यहां पे देखिए स्मूथ मसल्स जो आप हमारे ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं वो ये मेडिकेशन क्या कर देती है रिलैक्स करती है तो उसके कारण क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर जो पहले एलिवेटेड था वो हो जाता है लोअर और नॉर्मल की रेंज के अंदर फिर वो रहता है सो so, इसी ही इनहिबिटर प्रिवेंट an एंजाइम इन our बॉडी विच फॉर्म angiotensin टू तो ये पॉइंट आपको एक याद रखना है कि ये जो मेडिकेशन से वो क्या करती है प्रिवेंट करती है एंजाइम्स को हमारे बॉडी के अंदर टू फॉर्म प्रोड्यूसिंग एंजियोटेंसिन टू की जो एंजियोटेंसिन का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिनको हम कहते हैं एनजियोटेन्सिन कन्वर्टिंग एनजेम तो ये एंजाइम को यह करती है प्रिवेंट करती है इनहिबिट करती है जिसके कारण एनजियोटेन्सिन टू जो है वो फॉर्म नहीं होता और जिसके कारण जो पहले एनजियोटेंसिन के कारण जो ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता था ये बिफोर कंडीशन विदाउट मेडिसिन बिफोर विदउट द मेडिसिन अब यही कंडीशन आफ्टर हम देखें नीचे की ओर की आफ्टर कंडीशन आफ्टर ए सी ही इनहिबिटर्स कि जिसको ए सी ई आई हम कहते हैं ए सीई आई तो वो देने के बाद यह जो ब्लड वेसल जो है वो रिलैक्स हो जाती है इसकी तरह और जो पहले जो था वो कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्शन के तो नीचे वाली आफ्टर कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है और ऊपर वाली कंडीशन मतलब कि बिफोर कंडीशन तो विदाउट मेडिकेशन से ये प्रॉब्लम था कि कंस्ट्रिक्टेड रहती थी, थी ब्लड वेसल और जब हम पता है हमें कि जब डायमीटर रिड्यूस होता है तो उसके कारण जो है वो ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ होता है ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज जबकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है तो यहां पे क्या, क्या किया कि एंजियोटेंसिन क्या कर देते हैं नैरो ब्लड वेसल्स एंजियोटेंसिन के कारण कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन टू जो है कि समझो कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन टू प्रेजेंट है तो उसने क्या किया ब्लड वेसल्स को कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट जबकि यहां पे एंजियोटेंसिन जो है वो कंप्लीटली Uh, उसकी एंट्री जो है वो बंद हो जाती है वो फॉर्म होना ही बंद हो जाता है जिसके कारण ब्लड वेसल्स जो नैरो हो गई थी कि ये हो गई है नैरो फिर जिसका हम कहे कंस्ट्रिक्टेड हो गई थी वो अब हो गई प्रॉपर डायलेट हो गई और जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं वो रिलैक्स हो गई कि दिस नेरोविंग कैन कोस द हाई ब्लड प्रेशर एंड फोर्स अवर हार्ट टू वर्क हार्डर तो जब ये वाली कंडीशन होती है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है नैरो होती है ब्लड वेसल्स तो वो ब्लड जो नैरो हुई या फिर जो जिनका डायमीटर कम हो चुका है वो ब्लड वेसल्स की जो कंस्ट्रिक्टेड है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करती है तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ए सी ही इनहिबिटर्स मेडिकेशंस का लिस्ट हम देखें तो एनालेप्रिल है उसके बाद आप देखो तो रामीप्रिल क्वीना पेरिंडोप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेंजा बेनाज़ेप्रिल, प्रिल इमिडा एंड ट्रांडोला प्रिल उसके अलावा कुछ और जो है सिला सिलाजा प्रिल एलासेप्रिल कैप्टोप्रिल जैफनोप्रिल एंड फॉसिनोप्रिल तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए कि ये मेडिकेशंस के नाम के पीछे आप देखिए ज़्यादातर अप्रैल आ रहा है अप्रैल या फिर अप्रील जो है वो कॉमन है इन ऑल मेडिकेशंस कि जितने भी आप ये ऐसे ही इनिबिटर्स के मेडिकेशंस देखेंगे तो ये सभी के पीछे ये एक कॉमन है तो यही है आपके लिए एक ट्रिक कि जब आपको ये मेडिकेशंस के नाम याद रखने हैं एसे ही इनिबिटर के तो फॉर अप्रैल करके आप याद रखिए कि जिसके कारण जितनी भी प्रील वाली मेडिकेशन से वो आपको याद रह जाएगी तो ये सभी जो प्रील वाले मेडिकेशन से वो आपको अच्छे से याद रखने हैं तो यहां पे देखिए लिस का मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख सकते हैं टेन एम जी स्ट्रेंथ में रामी प्रिल के टैबलेट्स और ये सभी मेडिकेशंस आर एक्स ऑनली रहेंगे सभी के ऊपर आर एक्स जो है लिखा होता है या फिर पीछे की ओर लिखा होता है कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस ऑनली के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ मेडिकल सुपरविजन के साथ ही आपको ये मेडिकेशन यूज करने होते हैं तो समझते हैं उसके मेकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ऐसे इनहिबिटर्स प्रोड्यूस वासोडाइलेसन तो ये ऐसे इनहिबिटर्स का जो मेन मेकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझिए समझे तो वो है वासोडाइलेसन इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन टू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वासो कंस्ट्रिक्शन कि यहाँ पे जो वर्ड्स है कि वासो डायलेशन करता है तो वासो डायलेशन तभी करेगा कि जब वासो कंस्ट्रिक्सन होता हो तो ये जो एनजियोटेन्सिन टू है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वासो कंस्ट्रिक्सन के लिए मतलब कि हमारी जो ब्लड वेसल है उनको नैरो करने के लिए एनजियोटेंसिन टू रिस्पॉन्सिबल है दिस वासर इज फॉर्म बाय प्रोटियोलाइटिक एक्शन ऑफ रैनिन प्रोटियोलाइटिक एक्शन ऑफ ए रैनिन की रैनिन की जो प्रोटियोलाइटिक एक्शन होती है उसके कारण ये फॉर्म होता है और रैनिन जो रिलीज होता है बाय द किडनीस एक्टिंग ऑन सर्क्यूलेटिंग एंजियोटेन्सिनोजन टू फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेनसिन One. तो यहाँ पे समझिए कि जो लीवर है लीवर से ये प्रोड्यूस हुआ एंजियोटेंसिन वो आगे जाके कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन वन के अंदर और ये एंजियोटेंसिन वन फर्दर एंजियोटेंसिन टू के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है पे उसके नीचे की ओर ये इफेक्ट देखे कि वो करता है फिर वासो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल बट जब हम मेडिकेशन देते हैं किसी पेशेंट को ऐसे ही इनहिबिटर्स तो ये ऐसे ही इनहिबिटर्स क्या करते हैं ये देखिए यहां पे एनजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग की फॉर एग्जाम्पल आपने दी है पेशेंट को कैप्टोप्रिल कि किसी को हमने कैप्टोप्रिल दी है तो ये कैप्टोप्रिल क्या, क्या करेगी एनजीओ कन्वर्टिंग के की जो फॉर्म होता है और ये एंजाइम एंजियोटेंसिन वन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन टू के अंदर तो ये एंजाइम ही नहीं मिलेगा तो यहाँ से ना ही एंजियोटेंसिन टू जो है वो फॉर्म नहीं होगा और जिसके कारण ये जो वासो कंस्ट्रिक्शन होता था वो नहीं होगा और उसके और उससे रिवर्स कंडीशन होगी ये वाले वासो डायलेशन हो जाएगा तो इस तरह से हमारे ये ऐसे ही इनिबिटर्स क्लास के मेडिकेशंस जो है वो काम करते हैं तो ये उसकी मेकेनिज्म आपको अच्छे से याद रखनी है एनजियोटेन्सिन वन इज देन कन्वर्टेड टू एनजियोटेसिन टू बाय एनजियोटेसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कि सबसे पहले तो एनजियोटेनसिन वन बना और एनजियोटेंसिन वन में से एनजियोटेंसिन टू बनता है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है वासो कंस्ट्रिक्शन के लिए बट आप समझो सोचो कि आप ये एनजियोटेंसिन वन में से टू बनने की प्रोसेस स्टॉप करवा देते हैं बाय यूजिंग द मेडिकेशंस कैप्टोप्रिल तो वासो कंस्ट्रिक्शन होगा ही नहीं उसके जगह क्या होगा वासो डायलेशन होगा और वासो डायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा तो दिस ग्रुप ऑफ ड्रग इनिबिटर्स दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स इनहिबिट द एंजाइम काइनेस टू और एसी ही तो अभी जो हमने बात की थी कि कौन से एंजाइम को यह इनहिबिट कर दिया तो काइनेस सॉरी काइनीनेस टू एंजाइम यहां पर अच्छे से आपको याद रखना है काइनी नेस टू की यह पॉइंट एमसी क्यू का यह पिन पॉइंट बनेगा काइनीनेस टू और एसी ही एंजाइम एंजाइम को क्या करती है इनहिबिट तो कि समझो कि आपने आपने रामेप्रिल दी है कैप्टोप्रिल लिसिनोप्रिल कोई भी मेडिकेशंस दी है ऐसे ही इनहिबिटर क्लास की तो ये मेडिकेशंस दो एंजाइम्स को इनहिबिट करेगी चाहे काइन टू को टारगेट करेगी या फिर ए सी ही ई को सो दिस ड्रग डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ रास रास दैट मीन्स रेन एनजियोटेनसिन आल्डोस्टेरॉन सिस्टम एंड ऑल्सो पोटेंसिएट द वासोडाइलेटरी एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन जो ब्रेडिकाइनिन की जो वासोडाइलेटरी इफेक्ट होती है उसको पोटेंसिएट करती है जिसके कारण जो पहले वासो कंस्ट्रिकसन था उसके बजाय हो जाता है वासो डायलेशन बिकॉज दिस ड्रग आर प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ एनजियोटेंसिन वन टू एंजियोटेंसिन टू तो जो बात कही जाती है कि रेनिन एनजियोटेंसिनटेर सिस्टम की जिसको हम शॉर्ट में रास कहते हैं उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करती है और जिसके कारण आगे जाके एंजियोटेंसिन वन में से एंजियोटेंसिन टू फॉर्म नहीं होता ये देखिए कि जो एसी ही एंजाइम जो हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या फिर काइनिनेस टू एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है तो अब समझिए कि किस तरह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के पीछे का जो रीजन है यहां पे है कि ये एंजियोटेंसिन टू जो है वो कैसे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो एंजियोटेंसिन टू बाइंड्स टू तो मैनी रिसेप्टर्स इन द बॉडी

यहां पे रेनिन जो है कि जो किडनी में से रिलीज होता है हमारे किडनीज रिलीज करते हैं रेनिन तो ये रेनिन ये एनजियोटेसिनोजन को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन वन के अंदर कि जब ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ मिलता है कि एंजियोटेंसिन एनजियोटेंसिनोजन और एंजियोटेनसिन वन सॉरी एनजियोटेनसिनोजन प्लस ये रेनिन तो इन दोनों ने कॉम्बिनेशन करके प्रोड्यूस किया ये एंजियोटेंसिन वन अब ये एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को यूटिलाइज करके तैयार करते हैं एंजियोटेंसिन टू और ये एंजियोटेंसिन टू रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी इफेक्ट समझिए कि एनजियोटेंस एनजियोटेंसिन टूक की जो इफेक्ट्स क्या है तो वो क्या करता है नैरो करता है ब्लड वेसल्स को कि कोई भी ब्लड वेसल्स उसको कर देता है नैरो करता है ये उसका फर्स्ट इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट ये है कि करता है वासो कंस्ट्रिक्शन ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेसल कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है और यह तीन जब कॉम्बिनेशन होते कि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है उनका कंस्ट्रक्शन होता है या फिर उनको उनका वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके कारण क्या होगा कि जब हमें पता है कि पाइप जो होती है उसके डायमीटर छोटे कर दे हम तो ऑब्वियसली जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है तो सेम लाइक दैट ये हमारी ब्लड वेसल्स में से जो जो भी ब्लड जो फ्लो करता होता है उसका अब क्या होता है कि नैरो हुई ब्लड वेसल्स के कारण वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और वो इंक्रीज़ करता है अब ब्लड प्रेशर कि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हुआ ड्यू टू वासो कंस्ट्रिकशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन टू इस तरह से ये एंजियोटेंसिन टू की उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है वासो कंस्ट्रिक्शन के लिए इट कैन ऑल्सो ट्रिगर द थ्रस्ट और डिजायर फॉर सॉल्ट अब देखिए ये टू जब आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर तो वो एक तो ट्रिगर करता है थ्रस्ट थ्रस्ट मतलब कि आपको प्यास ज्यादा लगती है और साथ में डिजायर फॉर सॉल्ट आपको ऐसा फील होता है कि आप नमक ज्यादा खाए और ऑब्वियस जब नमक ज्यादा खाते हैं तो ब्लड प्रेशर और इंक्रीज होता है तो एक तो प्यास आपको ज्यादा लगती है और साथ में डिजायर फॉर सॉल्ट अब सोल्ट जितना आपके बॉडी में जाएगा आपको ऐसे डिजायर होगी कि आप सॉल्ट ज्यादा खाए तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है ड्यू टू वासो कंस्ट्रिक्शन और आप सॉल्ट खाते हो ऐसा मन होता है ये एंजियोटेंसिन टू के कारण तो और ज्यादा ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होता है तो एनजियोटेन्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनजियोटेंसिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ पिच्यूटरी ग्लैंड्स एंटी हार्मोन ये एंजियोटेंसिन का एक और फंक्शन यह है कि वो रिस्पॉन्सिबल है रिलीज ऑफ एंटी हार्मोन की जो रिलीज करती है पिच्यूटरी ग्लैंड तो ये वाला एक डायग्राम है पूरा उससे भी आप ये प्रोसेस समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको समझाया सेम कॉन्सेप्ट वही है यहां पे आपको कुछ ये पॉइंट समझने हैं यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो हमें एक समरे दी हुई कि जो सिंबल से ये वाला जो सिंबल है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो ब्लू कलर का एरो है दैट मीन्स सीक्रेशन फ्रॉम एन ऑर्गन तो यहाँ पे देखिए एनजीओ टेंसिनोजन उसको सीक्रेट करने वाला ऑर्गन कौन है तो लीवर लीवर सीक्रेट करता है एनजीओ टेंसिनो को फिर किडनीस किडनी किसको सीक्रेट करती है रेनिन को अब ये रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन दोनों के बीच में क्या हुआ स्टिम्युलेटरी सिग्नल कि जिसके कारण फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन वन अब सरफेस ऑफ पल्मोनरी एंड रीनल एंडोथेलियम जो रिलीज करते हैं एसी ही को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ये एंजाइम अब ये एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन टू के अंदर कन्वर्ट कर देता है अब ये एंजियोटेंसिन टू जब फॉर्म होता है तो उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं वो पिचोटे ग्लैंड को एक्टिवेट करके उसमें से एडीएच हार्मोन को रिलीज़ करवाता है कि जिसको हम कहते हैं एंटीडायोबिटिक हारमोन और उसके कारण कलेक्टिंग डग के अंदर एच टू का होता है रीएप्स उसके इफेक्ट के थ्रू आपको प्यास भी लगती है थ्रस्ट रहती है आपको फिर वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन होता है इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज परफ्यूजन ऑफ ए जक्स्ट्राग्रोमिलर एपरेटस इज इंक्रीज जिसको हम कहते हैं जे जी सेल्स और जे जी फिर यहां पे ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड रिओब्सॉर्ब एंड के प्लस एक्सक्रिएसन एच टू का होता है रिटेंशन एंड आल्डोस्टेर सिक्रेशन यहाँ पे करती है एड्रीनल कॉल और फिर ये वाला समझिए कि आर्टेरियोलर पे उसके क्या इफेक्ट है थे? वासो कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और जिसके कारण आर्टेरियोल जो है उनका नेरोविंग होती है और वो आगे जाके क्या करती है आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाती है तो ये है ये कहा जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन आल्डोटेस्टेर सिस्टम कि जिसको हम क्या कहते हैं रास कहते हैं आर डबल ए एस तो यहाँ पे एक पॉइंट में आपको समझाऊ वो समझिए कि जब मेन चीज ये है कि एंजियोटेंसिन टू फॉर्म होना और उसी के कारण ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जितने भी यहाँ पे हमने देखे और मेन इफेक्ट तो ये कि ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज करवाता है ये उसकी मेन हार्मफुल इफ़ेक्ट तो ये ना हो उसके लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन रहता है कि चलो एंजियोटेंसिन वन बना है तो वो उतना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है उसकी बट एंजियोटेंसिन टू बनता है तो वे फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करता है तो हमारा टारगेट ये रहता है कि एंजियोटेंसिन वन में से जो टू बनता है ये प्रोसेस ही कम्प्लीटली बंद करवा दें इसलिए मैं यहाँ पे ये जो चौकड़ी मार रहा हूँ क्रॉस कर रहा हूँ ये वही है कि समझो कि ये वाला पाथवे हम बंद कर देते हैं बाई गिविंग द मेडिसिन एसी ही आई तो क्या होगा ये आगे की सभी प्रोसेस फिर बंद हो जाएगी कि एनजीओ टेंसिन टू ही नहीं होगा तो आगे का ये जो पूरा ये है वो समझो कि कंप्लीटली बंद ही हो जाएगा और ना ही को यहाँ से आगे ऐसी ही इनिबिटर्स के कारण कैप्टोप्रिल है लिसिनोप्रिल आगे की ये कोई प्रोसेस नहीं होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा वासो डायलेशन होगा विथ मेडिकेशंस तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट इसके बारे में अब अच्छे से क्लियर होगा आगे समझिए अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस क्लास ऑफ मेडिकेशन की ये है वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी पॉइंट कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसलिए कि आगे जो हमने देखा वो सिर्फ लिस्ट देखा था कि कौन से मेडिसिन होते हैं इसके अंदर उसके एग्जाम्पल्स देखे अब जो हम सीखने वाले हैं वो है ये क्लास के मेडिकेशन का डिटेल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट है दैट इज सेल्फ हाइड्रिल कंटेनिंग ड्रग फिर से समझिए सल्फ हाइड्रिल कंटेनिंग ड्रग्स तो उसके एग्जाम्पल है एलासेप्रिल कैप्टोप्रिल जैफनोप्रिल एंड दिस एजेंट्स एपियर टू शो एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी बट मे बी इन्वॉल्व इन एडवर्स इवेंट सच एस स्किन ऐसे इनहिबिटर क्लास के मेडिसिन तो है ही बट साथ में दे सोस द एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज और उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एलासेप्रिल कैप्टोप्रिल एंड जैफनोप्रिल जोफेन के जो जैफनोप्रिल का मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं एंड हियर दैट इज ए कैप्टोप्रिल की जो भी आरएक्स ओनली मेडिकेशंस रहेगी तो ये क्लास खास की एम सी क्यू पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फ कंटेनिंग एसी सी इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशन तो आपको चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपको ये आइडेंटिफाई कर लेने की एलासेप्रिल हो कैप्टोप्रिल हो या फिर जैफनोप्रिल तो वो रहेगी सल्फ हाइड्रिल कंटेनिंग एजेंट ऑफ एसी ही इनहिबिटर्स सेकंड की जो डी कार्बोक्साइलेट कंटेनिंग एजेंट है डी कार्बोक्साइलेट कंटेनिंग एजेंट तो उसकी जो पूरी लिस्ट अच्छे से याद रखे दर एना प्रिल रामेप्रिल क्वीना पेरिंडोप्रिल, लिसिनोप्रिल, बेनाजेप्रिल इमिडाप्रिल ट्रांडोला प्रिल एंड सीलाजा तो रामेप्रिल का आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केटेड फार्मुलेशन लिसिनोप्रिल, एज वेल एज एनावल प्रिल की जो अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ उसको प्रोड्यूस करती है तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज ए डी कार्बोक्साइलेट कंटेनिंग ऐसे ही इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशन तो ये सभी लिस्ट आपको अच्छे से याद रखना है नेक्स्ट सीखिए अब तीसरा क्लास उसका दैट इज फॉस्फोनेट कंटेनिंग एजेंट फॉस्पोनेट कंटेनिंग एजेंट और उसमें एक ही मेडिसिन है दैट इज फॉसिनोप्रिल तो फॉसिनोप्रिल यहाँ पे आप उसका टेन एम का भी फॉर्मुलेशन देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर है बाय कैडिला एंड निक्सन फार्मास्यूटिकल का भी आप देख सकते हैं टेन एम का फॉर्मुलेशन फर्सिनोप्रिल सोडियम के टैबलेट इट इज द ओनली मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज फॉस्पोनेट कंटेनिंग एजेंट तो यहां से आपको एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एज वेल एज वाइवा के अंदर थियरी बेस्ड एग्जाम के अंदर की जब फार्माकोलॉजिकल डिटेल क्लासिफिकेशन पूछा जाए इसी ही इनिबिटर क्लास के ड्रग्स का तो ये आपको अच्छे से याद रखना है आगे सीखते हैं अब उसके चौथे क्लास के बारे में दैट इज नेचुरसिव रिसोर्स ऑन एंटी हाइपरटेंसिव पैप्टाइड्स एंटीहाइपरटेंसिव पैप्टाइड्स है कि जो नेचुरली अवेलेबल है इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ डेटा बेस इट कंटेंस अराउंड वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड यूनिक एंटी हाइपरटेंसिव वेपटाइड और उसमें से एक एग्जांपल है कि अर्फालसिन उसका ये एग्जांपल है और एचओ फोर एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट उसको हम क्या कहते हैं एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट कहते हैं अब आप ध्यान रखिए डोजिस के बारे में ये पॉइंट खास इम्पोर्टेंट है कि ये क्लास के मेडिकेशंस का डोजेस का नॉलेज ऐसे से होना चाहिए स्टूडेंट्स को तो सबसे पहले नेम देखिए यहाँ पे नेम एन इक्विवेलेंट डेली डोज इक्विवेलेंट इसलिए कि समझो कि बेंजा बैनाजे प्रिल जो है उसका टेन एम जी डोज इक्विवेलेंट है कैप्टो प्रिल के फिफ्टी एम जी डोज के कंपेयर में कि समझो कि आप किसी पेसे पेशेंट को बेनाज़ अप्रैल का टेन एम डोज देते हैं तो दैट इज इक्वी वैप्टोप्रिल कैप्टोप्रिल एम जी और कैप्टोप्रिल 25 फाइव एम जी की जो आप टू टाइम्स देते हैं मॉर्निंग या फिर इवनिंग में लेता है पेशेंट तो भी टू टाइम्स डे लेगा तो टोटल डोज 50 एम तो हो ही गया और सामने सिर्फ बेनाज अप्रिल टेन एम का एक ही टेबलेट लेता है दिन में तो भी वो सेम इफेक्ट देगा वैसे ही एनाल एप्रिल का आप देखो तो 5 एम जी फॉसिनो प्रेन एम जी तो एनाल एप्रिल फाइव एम जी दैट इज इक्वल टू फॉसिनोप्रिल टेन एम जी इज इक्वल टू कैप्टोप्रिल फिफ्टी एम जी मीनस की आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे ये हो गए एक दूसरे के इक्विवेलेंट डोजेस। कि रामी प्रिल टू पॉइंट फाइव एम जी सेम इफेक्ट देगी कि जो इफेक्ट देगा कैप्टोप्रिल पचास एम जी वही सेम इफेक्ट देगा लिसिनोप्रिल अपने टेन एम जी डोज के अंदर तो मॉगजी प्रिल सेवन पॉइंट फाइव एम जी है पेरिंडोप्रिल का फोर एम जी है क्विनाप्रिल प्रिल का टेन एम जी तो ये है इक्विवेलेंट डोजेस फिर सेकंड कॉलम देखिए ये ये वाला कि स्टार्ट मतलब कि पेशेंट को कितने डोज से आप उसकी प्रिपे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो बेनाज्रिल का स्टार्टिंग डोज होता है टेन एम जी कैप्टोप्रिल ट्वेल्व पॉइंट फाइव या फिर ट्वेंटी फाइव एम जी से स्टार्ट किया जाता है बी आई डी और टी आई डी कैसे एनल एप्रिल फाइव एम जी से स्टार्ट होता है फॉसिनोप्रिल टेन लिसिनो ऑल्सो टेन मॉगज्रिल सेवन पॉइंट फाइव भी चार क्वीना प्रिल भी दस एम जी और रामे प्रिल टू पॉइंट फाइव एम जी यूजल हम देखें तो बेन्जाल प्रिल जो है वो ट्वेंटी से लेकर फोर्टी एम जी की स्ट्रेंथ में प्रिस्क्राइब किया जाता है कैप्टोप्रिल ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी एम जी बी आई डी और टी आई डी एनआल ए टेन टू फोर्टी एम जी ट्वेंटी टू फोर्टी फॉसिनो प्रिल टेन टू फोर्टीन िल सेवन पॉइंट फाइव टू थर्टी एम जी मॉइज्रिल पेरिडोप्रिल चार से आठ एम जी क्वीन अप्रिल ट्वेंटी से एटी एम जी एंड रामीप्रिल टू पॉइंट फाइव टू ट्वेंटी एम जी और मैक्सिमम कितना डोज दिया जाता है पेशेंट को तो मैक्सिमम डोज कि जो टॉलरेटेड होता है पेशेंट के लिए तो बेना का एटी एम जी कैप्टोप्रिल फॉर फिफ्टी एम जी पर डे सेम लाइक दैट एनल अप्रिल के देखे तो चालीस है एटी थर्टी सिक्सटीन ये सब अलग अलग जो डोजेज़ है दैट आर द मैक्म टॉलरेटेड डोजेज तो ये टेबल आपके लिए मैं कहूँ तो नॉलेज के लिए एज वेल एज आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी है वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी की जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है आगे समय जो उसके यूजेज एंड इंडिकेशंस तो ए सी ही इनिबीटर्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन तो सबसे पहले तो ये कि हाइपरटेंशन की जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करेंगे बिकॉज इनका काम ही ये कि क्या करते हैं वास्व डायलिटरी इफेक्ट है तो जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ए सी ही इनिबीटर को दे सकते हैं फिर सी एच एफ की कंडीशन लाइक कंजेस्टिव हार्ट फाइलर सी एच एफ के पेशेंट को भी दी जाते हैं। फिर इवॉल्विंग एम आई दैट मीन्स मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के पेशेंट को डायबिटिक नेप्रोपैथी के अंदर देन डायबिटिक रेटिनोपैथी तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एज वेल नेफ्रोपैथी दोनों में ये यूजफुल है नॉन डायबिटिक रिनल डिसीज के अंदर एंड स्क्लेरो क्राइसिस के अंदर तो कंजेस्टिव हार्ट होता है जब किसी पेशेंट का तो उसके अंदर क्या होता है कि थिकनिंग होती है वेंट्रिकुलर चैंबर्स एंड स्मॉलर फीलिंग कैपेसिटी एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड तो ये मेडिकेशनस का जो काम है कि वासो कंस्ट्रक्शन करते थे उसके कारण जब ब्लड वेसल वगैरह को डायलेट करती थी उसके कारण जो प्रेशर जो हार्ट ऊपर ज़्यादा पड़ता है वो रिड्यूस करवाती है जिसके कारण हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड बढ़ जाता है कि हार्ट जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो हार्ट को हार्ट को भी उतने ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड आ जाता है तो हार्ट का वर्कलोड कम करने के लिए ये मेडिकेशंस जो है वो काम करती है दैट आर दी ही इनहिबिटर्स कि ये सभी इंडिकेशंस है उसके या फिर जो हम कहें कि यूजेस एंड इंडिकेशंस की ये सब प्रॉब्लम्स के अंदर ये सब कंडीशंस के अंदर हम ये मेडिकेशंस को पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट समझिए उसके कॉन्ट्राइंडेसन्स की ये मेडिकेशंस कब पेशेंट को आपको नहीं देनी तो एक तो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में ये कंप्लीटली इंडिकेटेड है टेराटोजेनिक इन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी तो गलती से भी समझो कि आप किसी प्रेगनेंस लेडीज को आप ये मेडिकेशंस देते हैं तो उसके कारण टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकती है कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर सो so, ऐसे ही बेटर्स आर इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंडिकेटेड मतलब कि दूसरे वर्ड में हम सिंपली लिखे तो डू नॉट प्रिस्क्राइब डू नॉट प्रिस्क्राइब फॉर ये आप लिख सकते हैं या फिर डू नॉट गिव डू नॉट Give. तो किसको नहीं देनी चाहिए तो प्रेगनेंसी या फिर प्रेग्नेंट वुमेंस को बिकॉज टेराटोजेनिक है इन सेकेंड हाफ ऑफ प्रेग्नेंसी प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ के अंदर ये टेराटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है फिर ब्रेस्ट फीडिंग के ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को भी ये नहीं देनी चाहिए फिर प्रीवियस एनजीओ एडिमा एसोसिएटेड विथ एसी ही इनहिबिटर थेरापी तो समझो कि आपने किसी पेशेंट को एसी इनहिबिटर्स दिए और उसके कारण उसको एनजीओ एडिमा हो गया तो जो पेशेंट को एनजीओ एडिमा की जो इन्फ्लामेशन होता है यूजली बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर तो समझो कि किसी को ये एनजीओ एडिमा हुआ ड्यू टू द एसी इनहिबिटर्स और ये है उसकी मेडिकल हिस्ट्री से आपको पता चलेगा ये जब आप उसकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेंगे एज वेल एज पेशेंट काउंसलिंग जब अच्छे से होता है तो ये पॉइंट आपको पता चलता है कि प्रीवियसली पेशेंट को एनजीओडीमा हुआ था एसी इनहिबिटर्स देने के कारण तो वी हैव टू अवॉइड दिस मेडिकेशन फॉर द पेशेंट्स हिस्ट्री ऑफ ए एन जीओडीमा ड्यू टू द एसी इनहिबिटर्स देन बायोलैटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस देन हाइपर सेंसिटिविटी टू ऐसे ही इनहिबिटर्स एंड वेन द सीरम क्रिएटिव नाइन इज मोर देन थ्री पॉइंट फाइव एम जी पर डेसेलीटर एसे ही इनिबिटर्स डू नॉट रिकमेंडेड तो जब बायोलेटर लिनर आर्ट्री स्टेनोसिस हो जाता है कि जो ये हमारी रिनल है और रिनल की ये जो आर्ट्री आप जो देख रहे हैं ये आर्टरी का जब स्टेनोसिस होता है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन जैसा होता है तो उस वक्त हमें ये मेडिकेशंस पेशेंट को नहीं देनी चाहिए इंडिकेशंस ऑफ ऐसे ही इनहिबिटर्स साइड इफेक्ट समझते हैं उसकी तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस एजेंट दैट इज अ ड्राई ऑफ कि ये क्लास के मेडिकेशंस का जो कोई मेन साइड इफेक्ट हम देखे और सबसे ज्यादा देखने वाली देखी गई साइड इफेक्ट इसीलिए लिखा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट एडवर्स ड्रग इफेक्ट मीन्स द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद दिस एजेंट इज अ ड्राई कॉफ़ तो ये पॉइंट है आपके लिए एम सी क्यू एज वेल एज वाइवा एज वेल एज फॉर योर नॉलेज इंक्रीज पोटासियम लेवल इन द ब्लड ब्लड के अंदर पोटासियम का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपर कैलेमिया देन फटिक यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ये पेशेंट को कि फटिक की कंडीशन की जो थकान होती है एनजीओडीमा होता है डिजीनेस होती है कि ये जो कंडीशन डिजीनेस एज वेल एज हेड एक डिजीनेस और फटिक तो इस टाइप की कंडीशन पेशेंट को होती है कि एक थकान भी हो जाती है उसको डिजीनेस भी रहता है और साथ में हेड एक कंडीशन होती है फिर ये देख सकते हैं सूखी खांसी कि जिसको हम कहते हैं ड्राई कफ कि ऐसी खांसी आती है कि जिसके अंदर म्यूकस या फिर जो हम कहते हैं फ्लेम वो प्रोड्यूस नहीं होता सिर्फ आपको ड्राई कॉफी होता है सूखी खांसी जो हम कहते हैं एंड लॉस ऑफ टेस्ट के टेस्ट सेंसेशंस कम होना लॉस ऑफ टेस्ट होना ये उसके साइड इफेक्ट है तो बहुत ड्राई कफ एंड एंजियोडामा साइड इफेक्ट इज ड्यू टू द एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन इन बॉडी कि जब आपके बॉडी के अंदर ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज होता है तो उसके कारण पेशेंट को ये दो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एक कफ का और सेकंड दैट इज एनजियोइडिमा तो एनजीओडीमा आपके लिए शायद नया वर्ड होगा तो ये आपको मैं समझाता हूं कि एनजीओडीमा इज एन एरिया ऑफ स्वेलिंग ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द स्किन एंड टिश्यू जस्ट अंडर द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कि उसके कारण क्या होता है इडिमा होता है मींस इडिमा दैट मीन्स द स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन द स्वेलिंग मे अकर्स इन द फेस टंग लैरिंग्स, एबडोमिन आर्म्स और लेग्स मतलब कि किसी भी पार्ट के अंदर बॉडी के हो सकता है आपको स्वेलिंग यहाँ पे देख सके ये आइस के रीजन के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये पेजेंट को ये आर्म्स uh, के एरिया में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग देखने को मिलते हैं यहाँ पे आइस का रीजन एज वेल एज ये आपके लिप्स के पोर्सन को भी इन्फ्लेम कर सकता है आपकी टंग को इन्फ्लेमेशन कर सकता है और जो सेकंड दैट इज द कफ तो ये है प्रॉपर डिटेल फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेश्स ऑफ ए ऐसे ही इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशंस सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग जरूर से वीडियो को लाइक करिए आपके वैल्यूएबल कॉमेंट्स करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऑल्सो ज्वाइन इन ए व्हाट्सएप डाई द व्हाट्सएप ऑन नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ए फार्मा रॉक्स गुड लक एंड ऑल द बेस्ट